Good morning, dear friends, and greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको अभिवादन देता हूँ. What a joy for us to be in the presence of God, sitting at His feet, listening to His voice. और कितने आनंद प्रशंसा की बात है कि जब हम परमेश्वर के चरणों पर बैठकर उससे सुनते हैं और उसके वचन पर मनन करते हैं. So when we meditate on God's word, और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, we are listening to God's voice. तब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं. And so let us listen to His voice today. And the passage I have for you to think is Colossians chapter 1 verse 27. और आइए उसकी वाणी को हम सुने और आज के दिन के लिए जो मनन का वचन हमारे पास है वो है कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27वां वचन. At this passage talks about our hope. और ये वचन बात करता है हमारी आशा के विषय में. And what is our hope? और हमारी आशा क्या है? What is the foundation of our hope? और हमारी आशा का वो नींव क्या है? It is Christ in you, the hope of glory. और ये तो मसीह यीशु है जो आप में महिमा की आशा है. And this is the passage, and let us meditate on this and find out what it really means. और आइए हम इस पर मनन करें और देखें कि इस वचन का सच में क्या मतलब है. Marvelous truth is a reality and experience. और अद्भुत सच्चाइयां एक वास्तविकता है और एक अनुभव है. His presence in me makes me a different person. और उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में मुझे एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखाती है. That is what God wants to do. और यही परमेश्वर चाहता है. He wants to change us. वो चाहता है कि वो हमें बदल दे. So that we will be transformed into someone else. ताकि हम किसी दूसरे में बदलते चले जाएं. And that's what His presence within us makes. और इसी रीति से उसकी उपस्थिति हमारे भीतर ये कार्य करती है. And His coming to dwell or live in me changes me into someone different. और उसका आना और मेरे भीतर रहना मुझे बदल देता है किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में. I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि बन जाता हूँ. As it is said, जैसे कहा गया है, if anyone is in Christ, he is a new creation. यदि यीशु मसीह में कोई है तो वो एक नई सृष्टि है. The dwelling Christ is a very beautiful arrangement. और याद रखिए वो वास्तविक रूप में रहने वाला मसीह एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है. With Christ living in me, जब यीशु मेरे भीतर रहता है, my appearance changes, मेरा दिखावा या मेरा रूप बदलता जाता है, my look changes, मेरा बाहरी बनावट बदलती जाती है, my taste changes, मेरा स्वाद बदलता जाता है, and I look different and I taste different. और मैं एक दूसरी ही रीति से दिखता हूँ और मेरा स्वाद भी कुछ दूसरा हो जाता है. And I want to illustrate it by using a very day-to-day illustration. और इस बात को मैं साबित करना चाहता हूँ या अच्छी रीति से समझाना चाहता हूँ एक अच्छे उदाहरण के तौर के द्वारा जिसका दिन प्रतिदिन हम उपयोग करते हैं. It is taken from the tea and the tea bag. और इसके लिए है उदाहरण चाय और चाय का वो जो पत्ती का एक पैकेट होता है. Here is a cup of tea. और यहाँ पर एक चाय का प्याला है. Here is a cup of water. और यहाँ पर क्षमा करिएगा एक पानी का एक प्याला है. And a tea bag by its side. और उसके बगल में ही रखा है पत्ती का एक छोटा सा पैकेट. The water is not the tea. और याद रखिए पानी चाय नहीं है. And the tea is not the water. और चाय पानी नहीं है. They are two separate items. लेकिन ये तो दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं. The water is heated. और पानी गर्म किया जाता and है. And the tea bag placed inside the water. और उस चाय की पत्ती के पैकेट को उस पानी में रखा जाता है. And you keep watching it. और आप उसे देखते हैं. And what happened? क्या होता है? The strange thing takes place. एक अद्भुत बात होती है. The water changes color. कि पानी का जो कलर है या रंग है बदल जाता है. And nature. और उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है. इट बिकम्स इनडवेल्ट बाय अ डोमिनेंट नेचर. और उसके भीतर एक और बाहरी रूप का स्वभाव कब्जा कर लेता है. द रिच टी इट्स कलर
swirls around in the cup. और वो चाय जो समृद्ध है रंग और स्वाद से वो उसे भर देती है. And it swirls around in the cup. और वो उस प्याले में घूमती है. Until the fluid is tea and not water. जब तक कि वो द्रव्य पानी छोड़ चाय नहीं बन जाता. Now it now looks a fluid. That fluid in the cup becomes tea. और वो द्रव्य जो उस प्याले में है वो चाय बन जाता है. Not water. ना कि पानी. So when the tea bag goes inside the water. और इसलिए जब वो चाय का पैकेट उस प्याले में जाता है. And the presence of tea bag inside the water changes the color of water. और उस चाय के पत्ती का जो उपस्थिति उस प्याले में होता है उसका रंग बदल देती है. And then you stir that fluid inside the cup. तब आप उस द्रव्य को उस प्याले के भीतर हिलाते हैं. It becomes tea. तो वो चाय बन जाता है. We don't call it water. हम उसे पानी नहीं कहते. We call it tea. हम उसे चाय कहते हैं. For the water to exist now. और पानी को अब मौजूद होने के लिए. It is necessary for the tea to exist. तो ये बहुत जरूरी है कि वो चाय भी वहां हो. The water could now say. और अब ये पानी अब ये नहीं कह अब पानी ये कह सकता है. It is no longer I who lives. अब मैं नहीं जीता. But tea that lives in me. ये तो वो चाय है जो मेरे भीतर रहती है. There is in much demand for hot water. और याद रखिए गर्म पानी के लिए कोई ज्यादा मांग नहीं आती. But let the water is heated. लेकिन जब उस पानी को गर्म किया जाता. And let tea enter in. और वो चाय उसमें डाली जाती पत्ती उसमें डाली जाती. It is worth. तब वो योग्य ठहराता है. The color. वो रंग. The fragrance. और वो खुशबू. The taste. और वो स्वाद. Everything is changed. हर एक बात बदल जाती है. Now that is what a Christian is. और यही एक मसीह भी है. A Christian is like a cup of water. एक मसीह भी एक पानी के प्याले के समान है. And what is the triumphant living? और वो जयवंत जीना है क्या? A triumphant living is for us to lose our own natural identity. और ये जयवंत जीवन ये है कि हम अपने वास्तविक स्वभाव को खो दें. And we allow Jesus to come in. और हम अनुमति दें यीशु को कि वो हमारे भीतर आए. And replace my natural taste of tastelessness and changes me. और मेरे जो स्वाभाविक वास्तविक स्वभाव है जिसमें कोई स्वाद नहीं उसको बदल दे एक स्वाद दार स्वभाव में. Now this is what a Christian is. और यही एक मसीह है. What makes us different? और कौन सी बात हमें अलग ठहराती है? What makes us more than just a natural being? कौन सी बात हमें एक प्राकृतिक व्यक्तित्व से बढ़कर बनाती है? If anyone is in Christ, यदि यीशु में कोई है, he is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. And that new creation has no identity with the old me. और उस नई सृष्टि में कोई पुरानी बात नहीं होती. Whatever was me is all dissolved and mingled into Jesus Christ. और जो कुछ भी मुझ में था वो हटकर प्रभु यीशु मसीह में मैं मिल गया हूँ. So now I can say. और इसलिए अब मैं कह सकता हूँ. Like the water. जैसे पानी के समान. Now I don't live. लेकिन अब मैं नहीं जीता. But Christ lives in me. लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है. Just like the water in the tea says, I no longer live, but it is tea who is now living. जैसे प्याले में मौजूद वो गर्म पानी कहता है कि अब मैं नहीं जीता, लेकिन मेरे भीतर तो ये पत्ती, ये चाय जीवित है. So the tea in the water make that water costly. और इसलिए वो पत्ती जो गर्म प्याले में डाली पानी में डाली जाती है उसका मूल्य बढ़ाती है. It is much demanded. और इसी की मांग आती है. That is what a Christian is. और यही एक मसीह है.
Let Jesus come in. होने दे यीशु भीतर आ जाए. And our natural look and everything is dissolved into that. और होने दे हमारा प्राकृतिक स्वभाव सब उसमें घुलता चला जाए. And everything changes about. और हर एक बात हमारे विषय में बदल. Now I have a good look, a new look. अब मेरे पास एक नया सूरत है. A new taste. एक नया स्वाद. And just like water is not tea, जैसे पानी भी चाय नहीं है, the old me is no longer I. अब वो पुराना मैं अब मैं नहीं हूँ. It is Christ. ये यीशु है. So what is our hope? तो हमारी आशा क्या है? Jesus Christ is the hope now. और यीशु मसीह अब हमारी आशा है. We no longer exist. अब हम नहीं जीते. But it is tea who is dominant in me. लेकिन अब ये चाय है जो मेरे भीतर है. And my friends, that is our life. और मेरे मित्रों यही हमारा जीवन. Let us live this life and enjoy. उन्हें इस जीवन को जिएं और उसका आनंद उठाएं. Then all the struggle and everything will come to an end. और तारे सारे प्रयत्न और कठिनाइयां सब का अंत हो जाएगा. It is Christ all in all. ये है प्रभु यीशु जो सब में सब कुछ है. This is true Christianity. यही सच्ची मसीहत. Christ in us. प्रभु यीशु जो हमारे भीतर. Always remember. हमेशा याद रखिए. Father, we thank you for this wonderful experience we have in Jesus Christ. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत अनुभव के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है. And when Jesus Christ is welcomed into us, when Jesus Christ is given the prominent place in our lives, जब यीशु मसीह को वो बड़ा स्थान हमारे जीवनों में दिया जाता है, we are no longer the same. हम तब वो नहीं रहते. Hallelujah. Hallelujah. And may the Lord help each one of us. होने दे परमेश्वर हम सब की सहायता. To live this new life and enjoy it. ताकि हम इस नए जीवन को जिएं और इसका आनंद उठाएं. Thank God. धन्यवाद. This is your life. ये आपका जीवन है. Amen. Amen.